हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ। आज हमारा जो प्रश्न आज जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो वाई है। तो एक्स आपने लिख लिया है, इसके बाद 0, 1, 2, 3 और इस तरह नीचे भी आप इसको 0, 1, 2 और 3 कर लें। आज वाई वाई लिखना है आपने। देखिए, आपने जो वन वाली लाइन है, जो वन वाली लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा खाना है इसका, ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट लेना है और ये पॉइंट लेना है, मतलब ऊपर से एक और दूसरा दूसरा जो लाइन है दूसरा ये लेना है, ये आपस में ये पॉइंट लेने हैं। नीचे के पॉइंट आपने डायरेक्ट करने हैं, ये ऊपर लाइन लेके जानी है यहाँ तक। अब इस पॉइंट को आपने 3 के साथ मिलाना है और इस पॉइंट को आपने 2 के साथ मिला देना है, कर रखें पहले फिर बाद में डायरेक्ट कर लें। इसी तरह आपने इस पॉइंट को आपने 0 के साथ मिलाना है, ये ऊपर वो जो 0 वाला जो निशान है, और ये जो इधर का 2 है, नीचे से 2 है और ऊपर का 1 है। अब आपकी ये वाई बन गई है और जो आपको नहीं चाहिए लाइनें उनको मिटा दें। कल तक सभी अपना ब्लैक स्केच पेन सभी खरीद लें, हमने इसकी आउटलाइनिंग करनी है और कलर भी भरने हैं, तो सभी ब्लैक स्केच पेन खरीद लें। ब्लैक स्केच पेन से हम इसकी आउटलाइनिंग करेंगे और बताएंगे कि कैसे करनी है, आप उसी तरह करें, अपनी मर्जी से ना करें। अब इसके बाद हमारा अक्षर रहेगा जेड। जेड शब्द आना है तो जेड के लिए आपने वैसे ही 0, 1, 2, 3, 4, 5 आपने अलग ड्राइंग शीट लगा लेनी है, आपके भर गई होनी, छोटी ड्राइंग शीटें भर जाती हैं, थोड़ी बड़ी सीट है। तो ये 0, 1, 2, 3 इसी तरह 0, 1, 2, 3 आपने जेड बनाना है। तो ये नीचे के 2 खाने साफ कर लेने आपने बीच के, अब इसमें आपको जेड इसमें बन जाएगा आपका आसानी से, ये 2 रेक्टेंगल बन जाएंगे आपके पास, एक ऊपर बन जाएगी और एक नीचे बन जाएगी। अब ये नीचे से ये ऊपर, ये 4 और ये ऊपर का 2, ध्यान रखें ये वाला 2 लेना है, ये यहाँ 2 के नीचे जो आता है ये पॉइंट, और ये 4 इसको आपस में मिलाना है, और इस तरह नीचे का ये 5 बड़ा करना है, ये खाना लेना हमने, ये और ऊपर से ये वाला लेना है, ध्यान रखें इस चीज़ का, और ये इसको आपस में मिला देना है, और जो बीच की लाइन है वो आपने इरेज करनी है। अब आपके पास ये जेड बन जाएगा, जेड बन जाएगा, बस 2 ही अक्षर करेंगे आज तैयार।